हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नांकित सूचनाओं से तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार कीजिए, जिसके अंतर्गत दिया हुआ है विवरण 31/12/2017 और 31/12/2018 के बीच तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार करना है। देखते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग कॉलम खींचेंगे और बनाएंगे तुलनात्मक स्थिति विवरण। आप लोग ऊपर लिखेंगे जिसका कॉलम में पहला नाम है विवरण 2017-2018 एब्सेंट चार्ज और परसेंट चार्ज, ठीक है, कितना एब्सेंट बढ़ा है, कितना कितने परसेंटेज में वो बढ़ा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थाई संपत्ति। स्थाई संपत्ति हमारी कितने की दी हुई है, 30 लाख 2017 की, 2018 की दी हुई है 36 लाख। तो हम लोग का कितना बढ़ा, 6 लाख रुपए से हमारी स्थायी संपत्तियां बढ़ी। अगला दिया हुआ है विनियोग, 5 लाख का 2017 में, 5 लाख का 2018 में, तो नील ना बढ़ा है ना कम हुआ है। आगे की देखेंगे हम लोग चालू संपत्ति, 2017 में दिया हुआ है चालू संपत्ति 15 लाख रुपए और 2018 में दिया हुआ है 10,50,000 रुपए, तो हमारी एक कमी आई जिसको हम कोष्टक में करके दर्शाएंगे 4,50,000 रुपये। टोटल एसेट, टोटल संपत्तियों को जब हम प्लस करेंगे हमारा 50 लाख और 51,50,000, इसमें इसको माइनस करेंगे हमारा टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, 1,50,000 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं समता अंश पूंजी, जो हमारी समता अंश पूंजी में कितनी थी, 25 लाख रुपये की, आगे 2018 में 25 लाख रुपये की, तो ये दोनों नील आएगा। फिर अगला है संचय एवं कोष, संचय कोष 2017 में था 5 लाख, 2018 में था 6 लाख रुपए, तो कितना बढ़ा, 1 लाख रुपए से। फिर दीर्घकालीन उधार 2017 में दिया हुआ है 15 लाख रुपए, 2018 में दिया हुआ है 15 लाख रुपए, नील ना बढ़ा है ना कम हुआ है। फिर अगला है चालू दायित्व, चालू दायित्व 2017 में था 5 लाख रुपए, 2018 में था 5,50,000 रुपए, तो कितने से बढ़ा, इंक्रीज हुआ है 50,000 रुपए से। अब हम लोग टोटल लाइबिलिटी यानी टोटल दायित्व को जब हम लोग प्लस करेंगे आ जाएगा 50 लाख, उसमें माइनस करेंगे 10,50,000, हमारा टोटल ये निकल जाएगा 1,50,000। तो हम लोग देखेंगे संपत्ति में 1,50,000 और दायित्व दोनों पक्ष में 1,50,000 रुपये से इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू।